ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा फूड चेन। फूड चेन है ना, फूड चेन एनवायरनमेंट साइंस के अंदर ये हमारा टॉपिक चलेगा फूड चेन। एनवायरनमेंट साइंस खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला फूड चेन। अब होता क्या है इसके अंदर, भोजन में होता क्या है, भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए निरंतर भक्षण मतलब खाने वाली निरंतर भक्षण प्रक्रिया को दोहराए जाने से जीवधारियों में ऊर्जा के आदान प्रदान की ऊर्जा के आदान प्रदान की जो श्रृंखला बनती है उसे भोजन चक्र कहा जाता है। भोजन चक्र कहा जाता है। भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए निरंतर भक्षण, भक्षण का मतलब है खाने वाली प्रक्रिया को दोहराया जाने से जीवनधारियों में ऊर्जा के आदान प्रदान की जो श्रृंखला बनती है उसे भोजन चक्र कहा जाता है। मतलब शरीर को किस तरह से ताकत मिले, ऊर्जा मिले, उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जो खाने की प्रक्रियाएं होती है, अब खाने में या खाद्यान्न के पदार्थों का वर्गीकरण अलग होता है, पर उससे खाने से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है, अब जो बार बार या निरंतर जो खाने की प्रक्रिया को दोहराया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो चैन कड़ी के रूप में होती है।
कि निरंतर, कभी आज खाया या नहीं कल कल नहीं खाया, निरंतर भक्षण करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, दूसरा यूं कह सकते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए जो ताकत या शक्ति की जरूरत पड़ती है वो खाने की प्रक्रिया, जो खाने की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हमारी सदैव निरंतर चलायमान रहती है। खाने की ये प्रक्रिया जो सदैव निरंतर चलायमान होती है उसके द्वारा जो एक कड़ी बनती है, उसके द्वारा जो एक चक्र बनता है, उसी चक्र को खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तथा जीवधारियों में इस प्रक्रिया के माध्यम से जीवधारियों में ऊर्जा का निरंतर प्रभाव बना रहता है। ठीक है, मतलब अगर ये भोजन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं गुजरे तो जीवधारियों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह नहीं बनेगा तथा उनका जीवन का अस्तित्व संकट में आ जाता, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है, तभी जाकर के उनको जीवन जीने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज उन्हें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है और उसे खाद्य, वो जो प्रवाह होता है या जिस तरीके से वो खाना खाते हैं जिनसे उन्हें ऊर्जा का संचारण होता है, खाने की प्रक्रिया जो निरंतर बनी रहती है वही खाद्य श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं ये खाद्य श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला या भोजन प्रक्रिया जीवों में, जीवधारियों में तीन प्रकार से समावेश होती है। जीवधारियों में तीन प्रकार से संपन्न होती है। पहले परिपक्षी,
परिपक्षी श्रृंखला। दूसरी परजीवी श्रृंखला। सी सत्तो श्रृंखला। ये तीन श्रृंखलाएं होती है ना, जो खाद्य फूड चेन के अंदर आने वाली जो श्रृंखलाएं होती है, जिनके माध्यम से ये जीव अपने जीवन व्यापन करने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिसके वजह से वो निरंतर खान पान करते रहते हैं और खान पान करने से उनका जीवन चक्र सुचारू रूप से चलायमान या गतिशील रहता है। अब ये जो खाद्य श्रृंखला जिनके माध्यम से जीवधारी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वो तीन प्रकार के स्रोत हैं जिनके माध्यम से ये जीवधारी अपना भोजन चक्र पूरा करते हैं। पहली परिभक्षी श्रृंखला, दूसरी परजीवी श्रृंखला, तीसरी मृतोपजीवी श्रृंखला। अब ये तीनों श्रृंखलाएं हैं कौन कौन सी है? परिभक्षी श्रृंखला, इस श्रृंखला के अंदर क्या होगा? परिभक्षी श्रृंखला में ये श्रृंखला पौधों से होकर के पौधों से शुरू होती है ना? ये श्रृंखला पौधों से शुरू होती है, पौधों से प्रारंभ होकर के छोटे जीवों में जाती है। छोटे जीवों की ओर, सूक्ष्म जीवों की ओर से बड़े जीवों की तरफ जाती है। परिभक्षी श्रृंखला क्या होती है? पेड़ पौधों से निकल करके सूक्ष्म छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं उनकी तरफ और फिर बड़े, जैसे पेड़ पौधों की जो पर्ण पत्तियां होती है उनको कीड़े मकोड़े चट करते हैं, उनसे वो भोजन प्राप्त करते हैं। कीड़े मकोड़ों को बड़े जीव जंतु खा जाते हैं, उनसे उनको भोजन या ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। इस प्रकार से परिभक्षी श्रृंखला, परिभक्षी का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर निर्भर या आश्रित, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे का जीवन एक दूसरे की ऊर्जा का स्रोत बनता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों को कीट पतंगे लट जैसे परजीवी खा जाते हैं, तथा इनको जैसे मेंढक वगैरह ये खा जाते हैं, मेंढक को सांप जैसी जो चीजें वो खा जाती है। इस प्रकार से ये परिभक्षी श्रृंखला चलती है। परिभक्षी मतलब है पक्षी यानी भक्षण करना, परि यानी दूसरे को, एक दूसरे को भक्षण करते चलते हैं। परजीवी श्रृंखला ये भी पेड़ पौधों से शुरू होती है, पौधों से शुरू होकर के यहां पर थोड़ा सा चक्कर बन जाता है, बड़े जीव आते हैं और फिर सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं। अब ये पेड़ पौधों पर आश्रित श्रृंखला, वे ऐसे जीव प्राणी
जो पेड़ पौधों पर होते हैं परजीवी में आते हैं। कैसे? पेड़ पौधों के द्वारा उन्हें भोजन की प्राप्ति से ऊर्जा का संचारण होता है। फिर उनके ऊपर, उन पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं बड़े जीव जंतु। एक मिनट, इस तरह से इनका यह भक्षण चलता रहता है। जस्ट ए मिनट, हवा का रुख तेज है आज, जो ये साइक्लोन का है इसकी वजह से मौसम बहुत खराब हो रहा है। तो ये हुआ है ना, पेड़ पौधों पर बड़े जीव जंतु आश्रित होते हैं, इनके ऊपर छोटे जीव जंतु, मतलब पेड़ पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं बड़े जीव जंतु, पशु पक्षी जानवर, और पशु पक्षी जानवर का भोजन बनते हैं, पेड़ पौधे बड़े जीव जंतुओं का भोजन बनते हैं और बड़े जीव जंतु छोटे जीवों का भोजन बनते हैं। अब कैसे? अब जैसे कि बड़े जीव है, जैसे इसके अंदर जानवर आते हैं, पशु आते हैं, तो पेड़ पौधों के द्वारा उनका गुजर चलता है। जब ये इनका जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उनके माध्यम से इनमें कीड़े लग जाते हैं और ये भोजन फिर सूक्ष्म जीवों के लिए तैयार करते हैं। इस प्रकार से परजीवी के अंदर ये आते हैं। अब मृतों पर जीवित श्रृंखला में, अब ये भी, अब कुल मिलाकर तीनों भोजन चक्रों की श्रृंखला के अंदर पौधों के नष्ट होने से, पौधों के नष्ट होने से ये सूक्ष्म जीवों की तरफ जाती है। सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब मृतों पर जीवी श्रृंखला में क्या होंगे? मृतों पर जीवी श्रृंखला में जैसे पेड़ पौधा या वनस्पति नष्ट हो जाती है तो उसके अंदर कीट पतंगे लग जाते हैं, जैसे दीमक वगैरह लग जाती है, तो ये सूक्ष्म जीवों का ऊर्जा का केंद्र बनते हैं। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला की जो भोजन प्रक्रिया है वो जीवधारियों में ये तीन प्रकार की श्रृंखलाओं के माध्यम से अपना ऊर्जा का स्रोत प्राप्त करते हैं और ये निरंतर प्रक्रिया एक दूसरे जीवों के अंदर निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार से ये लोग अपना भोजन चक्र पूरा कर पाते हैं। तो इस प्रकार के भोजन चक्र हमारा है। अब आगे खाद हम अंतर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज इतना हमारा अच्छा लगे।